अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आप कुछ भी ना करें लेकिन आपके अकाउंट में पैसे आते जाएं, आप सो रहे हों, जाग रहे हों, मुल्क में हों, मुल्क से बाहर हों, शादी में हों, वॉशरूम में हों, जहां मर्जी हों, जो मर्जी कर रहे हों, लेकिन आपकी ज़िंदगी में पैसा आता जाए, आपके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ता जाए, उसके लिए आज आपको एक काम करना पड़ेगा। पहली चीज, आपको जो स्किल आती है, जो हुनर है आपके पास, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसको लोगों से शेयर करना शुरू कर दें। सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बना बना कर अपलोड करना शुरू कर दें। फोटो हो, मीम हो, वीडियो हो, जिस शक्ल में बना सकते हैं उसको बनाकर सोशल मीडिया पर डंप करना शुरू कर दें। इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, स्टोर करना शुरू कर दें। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, अगली दहाई में उसने वायरल होना ही होना है। आपकी तरह सोचने वाले, आपके लाइक माइंडेड लोग करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। ये मत सोचें कि ये छोटी सी चीज़ है, इसका लोगों को क्या फ़ायदा होगा। अगर आपकी चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा तो आपके कॉन्फिडेंस से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये चीज़ मैं सोचता था अपने लिए कि मुझे मालूम है कि मैं अच्छा नहीं बोलता या मुझे स्टिल सीखना है, इंसान हमेशा सीखता रहता है, लेकिन मेरे बार बार वीडियो डालने से जो कॉन्फिडेंस बनता है, जो लोगों को मिलता है, उसका लोगों को जो फ़ायदा होता है, उसका कोई मैच नहीं है। तो लोगों को आपसे मिलता ज़रूर कुछ ना कुछ, जो नॉलेज है, स्किल है, कॉन्फिडेंस है, कोई एबिलिटी है, शेयर करें, सोशल मीडिया पर बॉम्बार्डिंग करें। कल यही चीज़ आपको पैसा वापस देगी कमा के। अभी हर चीज़ आपको पता है मोनेटाइज होती है, हर चैनल पर मोनेटाइजेशन चलती है, आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या है? आपका वक्त, आपका कंटेंट, 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 बस। और दूसरी चीज़, आपने लोगों पर इन्वेस्ट करना है। अब लोगों का मतलब ये नहीं है कि आपने ताल्लुक बनाने के लिए, वास्ता बनाने के लिए लोगों से खाने खिलाने, लोगों को खाने खिलाने हैं, लोगों से खाने खाने हैं, लोगों की पार्टियों में जाना है, ऐसा नहीं। अपने करीबी लोगों पर इन्वेस्ट करें। आपके जो लोग होते हैं ये आपके बैंक अकाउंट होते हैं, इन पर इन्वेस्ट करें। अगर आप ये सोचते हैं कि क्या फ़ायदा, उन्होंने हमें क्या देना बाद में, उन्होंने भूल जाना है, ये चीज़ अपने जहन में स्टोर कर लें। इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन जिस ज़ात ने आपको पैदा किया है वो किसी को धोखा नहीं देती, ये प्रूवन है, ये फैक्ट है। तो आपने अपनी तरह से लगे रहना है, दुनिया ने आपको वापस पे बैक करना ही करना है, ये मालिकी हकीकी का कानून है। मैं अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को अक्सर बोलता हूँ, हो सकता है, वस्ट वस्ट सोचने की उनको तलकीन करता हूँ कि हो सकता है कल को आपसे धोखा हो जाए, हम आपका हक खा जाएं, लेकिन जिस मालिक ने आपको पैदा किया है वो किसी का हक नहीं खाता। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, कई लोगों ने हमारे हक खाए, लेकिन उस मालिक ने उससे कई गुना ज़्यादा वापस दिया किसी दूसरी शक्ल में। दो चीज़ों पे अमल कर लें, मैं आपको वादा करता हूँ, यकीन से कहता हूँ और तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ। अपने नॉलेज को शेयर करें, जितना कंटेंट बना सकते हैं सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दें, ये आपको पैसा कमा के देगा। और दूसरा, इंसानों पे इन्वेस्ट करें, अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट करें, अपने वालदैन, बहन भाई, बीवी बच्चों पर इन्वेस्ट करें, ये आपके बैंक अकाउंट्स हैं। अच्छी नीयत से करेंगे तो यकीनन पे बैक होगा, गलत नीयत से करेंगे तो यकीनन उसका रिजल्ट भी आपको ही सहना पड़ेगा। चॉइस आपकी है। मेरा वादा है, इस वीडियो को स्टोर कर लें और आपको ये वीडियो झंझोड़ेगी, आपको पे बैक जरूर करवाएगी। अगर आपने अमल कर लिया तो मैं आपको वादा करता हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा।